की सारी चाय फेल है, आप यही चाय पीजिए सर्दियों के मौसम में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निधि, और आज मैं लेके आई हूं आपको एक और चाय वाली जगह पे। और आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो में मैं आपको लेके गई थी चाय वाला ऑफ लंडन स्कारब्रो में। आज हम लोग उसी सेम प्लाजा में आए हैं, चाचीज चाय। इसके भी मैंने काफ़ी रिव्यू सुने हैं कि काफ़ी अच्छा है इसका भी, चाय काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड भी है इनके पास में। तो अंदर जाके देखते हैं, लेकिन ये भी सेम ही प्लाजा में है, एग्लिंटन टाउन सेंटर के पास में, एग्लिंटन और वार्डन के इंटरसेक्शन पे, और सेंटेनियल कॉलेज भी इसके काफ़ी पास में है। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनका मेन्यू कैसा है और इनके पास में क्या क्या ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किया है इनका आलू टिक्की बर्गर और साथ में बटर चिकन पनीनी। आप ऑर्डर करके दे विल गिव यू दिस काइंड ऑफ नंबर और वो आपको टेबल पे सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप ये लोकेशन देखिए, इसकी एम्बियंस इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, इन्होंने एंटीक्स रखे हुए हैं, ग्रीनरी पूरी तरफ से है, और इतना अच्छा पेंट्स वगैरह खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी कलेक्शन ऑफ ओल्ड आइटम्स, जैसे ये पुराना फोन आप देख सकते हैं, चाय की केटल है पुरानी वाली, टाइपराइटर है साथ में, और कुछ उन्होंने बुक्स भी रखी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी एम्बियंस है इनकी यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, इनकी कोका कोला भी है साथ में, ग्लास वाली बॉटल्स, और साथ में इनकी पेस्ट्रीज वगैरह हैं कुछ कुछ, और केक्स हैं, क्रोसॉन्ट्स हैं, कुकीज़ हैं साथ में। तो अभी बाकी इनका खाना देखते हैं कि वो कैसा है। बच गया हमारा बजर, चलिए खाना लेके आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना आ गया है। मैं जैसा कि मैंने ऑर्डर किया था आलू टिक्की बर्गर, तो आलू टिक्की बर्गर को मैंने हाफ में कट करवा लिया, इट विल बी इजी टू ईट। ओ लुक, डबल पैटीज़ हैं इसके अंदर और साथ में अनियंस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। और साथ में मैंने ऑर्डर किया था बटर चिकन पनीनी सुमित के लिए, ये ऑलरेडी उन्होंने दो में कट करके दिया है। ओ लुक एट दिस, दिस इज़ अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में कड़क चाय तो बनती ही है, तो कड़क चाय भी ऑर्डर करी है हमने। तो अभी खा के देखते हैं कैसा है। ओह, काफ़ी गर्म है। सो लेट्स टेक द बाइट, फर्स्ट बाइट ऑफ चाचीज चाय बार। सो लेट्स सी, इनकी आलू टिक्की काफ़ी अच्छी है, एकदम फ्रेश है। आई थिंक उन्होंने अभी फ्राई करी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके अंदर स्टफिंग भी आई थिंक पनीर की, अंदर काफ़ी सॉसेज वगैरह और अनियंस वगैरह लगाए हुए हैं। सो ये काफ़ी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है बटर चिकन पनीनी की, जो एज यूजुअल आपको पता है कि सुमित ही खा के बताएंगे कैसा है। सो हियर गोज अ रिव्यू फॉर बटर चिकन पनीनी फ्रॉम सुमित। थोड़ा स्पाइसी बना सकते थे, बट अच्छा, परफेक्ट फॉर द किड्स, जिनको उनको थोड़ा सा मीठा पसंद है, और जैसे ही है सॉस थोड़ी सी मीठी है, थोड़ी टैंगी भी सी भी है। तो फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप उनको बोल सकते हैं टू मेक इट स्पाइसी फॉर यू, बट आई थिंक बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को बटर चिकन काफ़ी पसंद होता है, बच्चों के लिए आई थिंक काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी स्टफिंग है, चिकन एंड चीज एंड सॉसेस, काफ़ी अच्छा है। इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। मैंने फर्स्ट टाइम बटर चिकन पनीर नहीं खाया, ट्राई किया है, ओके, तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, चाचीज चाय बार आए और चाचीज की चाय ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो
सो फ्रेंड्स, मेरी तो कोई चाची है नहीं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द चाचीज, अगर आपको आपकी चाची है और आपको आपकी चाची बहुत अच्छी चाय बना के बुलाती हैं और आपको पसंद है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा कि आप किस किस की चाची अच्छी चाय बनाती हैं और किसको अपनी चाची के आपकी चाय पसंद है। अभी हम ये वाली चाची के चाय पीते हैं और बताते हैं कि ये कैसी है कड़क चाय। वैसे कलर काफ़ी अच्छा है चाय का, ओह स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की, मसाले की, थोड़ा आई थिंक लौंग वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा है स्मेल है। लेट्स ट्राई। परफेक्ट कड़क चाय, अच्छे से जैसे कड़क वाली होती है गुड़ उबाला वगैरह दिला के और वो सब करके, तो काफ़ी कड़क चाय है। सो काफ़ी टेस्टी है, मैंने शुगर फ्री ली है, आप चीनी भी डलवा सकते हैं, लेकिन बिना शुगर के भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं मेरी चाय एंजॉय करती हूँ, कड़क चाय एंजॉय करती हूँ। आप लोग ज़रूर आइएगा चाची चाय बार पे और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको कैसा लगा, और आप कौन कौन से रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन कवर दोज रेस्टोरेंट्स। एंड डू नॉट फॉलो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा सो दैट टू गेट द न्यू अपडेट्स ऑल द टाइम। अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। तो फ्रेंड्स, आई नो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे को निकलते निकलते उन्होंने बोला उनकी पिंक चाय ट्राई करने के लिए, वो कह रहे हैं कि ये उनकी बेस्ट सेलर है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें काफ़ी सारे नट्स भी हैं, तो अगर आप नट्स से एलर्जिक हैं तो आप वो आपसे पूछ ही लेंगे, अगर आप नट्स नहीं खाते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। बाकी मेरे हिसाब से बाकी सारी चाय फेल है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। रज के चीनी डाली हुई है इसके अंदर, अच्छी वाली चीनी है, खड़े चम्मच वाली चीनी जैसे बोलते हैं, और नट्स बहुत सारे हैं। इलायची का इतना बढ़िया खुशबू और इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है कि टू गुड। बाकी सारी चाय फेल है, आप यही चाय पीजिए, सर्दियों के मौसम में स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर, और पिंक चाय, वाइट स्नो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बाय नाउ।